भाई साहब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सेंसिटिव मामला था, तो मैंने भाई रिस्क नहीं, मगर उसने शर्त तो ये रखी कि किसी से बताना ये कैसे हो सकता है। बाबा से तो मुझे बताना ही होगा, यानी कफिल से तो बताना ही। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, सऊदी अरब में ठंड पड़ने लगी है, अभी बहुत अच्छी तरह नहीं पड़ रही लेकिन पड़ने लगी है। हालांकि यहाँ पे ठंड जो है बहुत बुरी तरह पड़ती है, इतनी जबरदस्त ठंडी यहाँ पे पड़ती है कि मान के चलो कि आपको जो है गला देने वाली ठंड पड़ती है। तो फिलहाल हम भी अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैंने देखा, मैं तो काफी साल से हूँ और एक्सपीरियंस कर ही रहा हूँ, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, जो यहाँ का मदरसा का टाइम टेबल है भाई साहब, वही रहता है, एक ही रहता है। ये नहीं कि ठंडी के दिन कोई दूसरा, गर्मी के दिन दूसरा, ऐसा नहीं, एक ही टाइम पे मदरसा खुलेगा बंद होगा, यानी आपको एक ही टाइम पे उठना है। ऐसा नहीं है कि ठंडी के दिन में लेट, गर्मी के दिन में जल्दी सुबह, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, फिलहाल सुबह में मैं 6 बजे समथिंग उठ गया और लड़के को मदरसा छोड़ दिया, छोटा वाला लड़का, एक ही मदरसा है। और एक लड़की है जो यूनिवर्सिटी जाती है लेकिन वो बराबर नहीं जाती है, कभी कभी बराबर जाती है, कभी कभी नहीं जाती, आजकल 2-3 दिन से नहीं जा रही है, लेकिन वो जब यूनिवर्सिटी नहीं जाती तो काम करती है। दोस्तों, सऊदी अरब में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, अब सब जो है लगभग लगभग काम करने लगी हैं। अब जितने भी सेक्टर हैं, जैसे किसी भी मोबाइल की शॉप हो या कोई भी शॉप हो, ज्यादातर सऊदी के लोग ही वहां पर काम करने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि, और मतलब अजनबी को, जो गैर मुल्की हैं, अदर कंट्री के लोग हैं, वो लोग नहीं काम कर सकते। तो इसलिए यहाँ का जो सिस्टम है भाई, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो हमारा पैसा है हमारे ही पास रहे, क्योंकि आर्थिक स्थिति थोड़ा मजबूत हो, तो उस हिसाब से नियम कानून बना दिए हैं। तो दोस्तों, बात करते करते आपसे हम आ गए हैं मैकडोनल्ड और लेते हैं एक कॉफी। तो ड्राइव थ्रू के जरिए चलते हैं और एक कॉफी लेते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है और आज चाय नहीं पिए तो सोचे कॉफी ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए मुझे वाहिद कॉफी लाटे, हाँ, शुफा दे स्कैन। काफी लाटे इन साइड 5 बैग शुगर, हाँ, इन साइड एड। तो दोस्तों, काफी लाटे ऑर्डर कर दिया है, कैपेचिनो है, लाटे है और लार्ज साइज में ऑर्डर किया है। तो चूंकि शुगर ऑफ साइड, ओके ओके। तो दोस्तों बोल रहा है ना कि इन साइड जो है शुगर ऐड नहीं कर सकते, बाहर से दे देंगे। हमने कहा चलो भाई ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये विंडो है जहां से भी देगा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैकडोनल्ड जो है 24 घंटा खुला रहता है। सुबह के टाइम मुझे लगता है कि 1-2 घंटे के लिए बंद होता होगा, मुझे एक्चुअल नहीं पता है, लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर जो है काफी टाइम, यानी 24 घंटा कभी समझे आप, कुछ बोल रहा है कि वाहिद लाटी कबीर, यानी काफी लाटे बड़ा वाला चाहिए, ऑर्डर किए हो, पूछ रहा है, जबकि मैंने किया ही है। तो उससे पहले एक समय था ना कि मैं हंगर स्टेशन, यहाँ पर जैसे अपने यहाँ जोमेटो होता है,
और स्विगी होता है, तो उसी तरह यहाँ पर तमाम कंपनियां हैं, हंगर स्टेशन है, मरसूल है और जहज है, तो तमाम कंपनियां हैं जो फूड डिलीवरी का काम करती हैं। शुगर है हाँ मुझे, तो ये काफी आ गया मैकडोनल्ड का और बड़ा साइज ले लिया, तो इसमें मैंने बोला था कि शुगर चाहिए, तो चूंकि इसमें शुगर ऐड नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग विदाउट शुगर पीते हैं ना, तो इसलिए ऐड नहीं करते। अब मुझे कम हब्बा जिब तलाता हब्बा ज्यादा माई जी मुश्किल है, वो बोल रहे कि इतना ज्यादा शुगर क्यों ले रहे हो, बाद में प्रॉब्लम होगी। मैंने बोला कि नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ के लोग चीनी वगैरह बहुत कम खाते हैं दोस्तों, इस चीज को आप समझ लीजिए कि जब भी आप कहीं भी कोई भी मिठाई वगैरह लेंगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे शुक्रन आफान, तो ऐसा लगेगा ना कि ये लोग मतलब चीनी का कोई भी आइटम पसंद नहीं करते इन लोगों के। मुझे लगता है कि मीनू में चीनी है ही नहीं। ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है डस्टबिन है, हर जगह आपको इस टाइप का डस्टबिन मिलेगा, आपको कोई भी कूड़ा करकट रहेगा डालने के लिए, ये सब सामान दिया था ना, तो उसको सब मिला उला करके फिर कूड़े में फेंक दिया, और इस तरह बहुत एकदम गाड़ी के जितना ही ये लोग रोड बना करके रखते हैं, जरा सा भी एक्स्ट्रा नहीं रखते, उसी में आपको निकालना है, ठीक है। और आपको मैकडोनल्ड जगह जगह यहाँ पे मिलेगा, और मुझे सऊदी अरब में सबसे ज्यादा मैकडोनल्ड का ही बर्गर वगैरह अच्छा लगता है। तो फिलहाल चलते हैं रूम की तरफ, और आपको अब मुझे लिफ्ट लेना है तो यहाँ से, और ये कि बाइक वाला जा रहा है डिलीवरी वाला, हंगर स्टेशन वाला, पहले नहीं चलता था लेकिन अभी काफी चलने लगा। अपने यहाँ जो बजाज सीटी 100 चलती है ना, वही बजाज की गाड़ी है, सेम वही सब कुछ है, बस इसका इंजन जो है 150 cc का भाई साहब, पल्सर वाला। तो फिलहाल इशारा जो है खुल चुका है लग रहा है, ये सामने जो गाड़ी दिख रही है ना भाई साहब, ये बलदिया वाली गाड़ी है, यानी नगर पालिका वाली जिसको बोलते हैं। ये जो ऊपर रखा हुआ है ट्राली, ये अलग से रखा है, उसमें सब सिस्टम होता है, ये जगह जगह रख देते हैं, फिर जब भर जाता है तो उठा करके लाद करके ले जा करके उसको खाली करते हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम है। और ये राइट साइड में ये हमारा मॉल है जहाँ पर छोड़े हैं, और यहीं बगल में ही रूम है, चल रहे हैं रूम पर। तो दोस्तों अभी आधे घंटे बाद फिर छोटे लड़के को उठाना है, यही ड्यूटी है हाउस ड्राइवर की भाई साहब, सुकून नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर आपको सुकून चाहिए तो सऊदी अरब ना आए, हाँ सऊदी अरब वही लोग आए जिनको बर्दाश्त करने की क्षमता है, जिनके पास जो ये सोच सकते हैं कि हम रह लेंगे कुछ भी झेल लेंगे, और भाई जिसके पास जिम्मेदारी होती है वही सऊदी अरब में रह सकता है। सबके बस की बात नहीं है, 2 साल काटना बहुत मुश्किल का काम है। हालांकि आप 1 साल पर भी जा सकते हैं, यानी कभी भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 साल ही काटना पड़े, लेकिन बात बता रहा हूं, पहली बार तो 2 साल काटना ही होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भाई साहब ना, 2 साल की बातें छोड़िए, 5-5 साल रह जाते हैं, तो पता नहीं कैसे, मुझे तो भाई 1-2 साल काटना बड़ी मुश्किल लगता है। हालांकि जिम्मेदारी बहुत खराब चीज होती है, जिम्मेदारी जब आदमी के ऊपर आता है तो वो रह सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रह सकता, रह सकता है।
तो भाई साहब फिलहाल मैं मॉल में आ गया हूँ, कफिल ने भेजा सामान लेने के लिए। तो सामान में यहाँ पर आलू भेजा था और बैंगन लेने के लिए भेजा था, लेकिन वो अरबी में बोल करके भेजा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था बैंगन को क्या बोलते हैं। तो फिर मैंने वही रिकॉर्डिंग जो है लड़की के पास भेजा, तब उसने फ़ोटो भेजा मुझे, तब जाके मुझे पता चला कि बैंगन को क्या कहते, मुझे पता ही नहीं था। और ज़्यादा दिमाग पे जोर भी नहीं लगाया कि सीधे ही फॉरवर्ड कर दिया और बोला इसका प्लॉट फ़ोटो भेजो, भेजिए। और बाकी सब कुछ तो पता ही है, केवल बैंगन को नहीं पता था क्या बोलते हैं अरबिक में, तो वो सब ले लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि बैंगन आप जब लेंगे तो खुलता अगर लेंगे तो वो ज़्यादा सही नहीं मिलता, तो ये जो पैकेट वाला होता है ये थोड़ा फ्रेश रहता है। उसी तरह आलू भी पैकेट वाला आप लेंगे तो थोड़ा सही रहता है, अच्छा मिलता है। तो फिलहाल इतना सारा सामान ले लिए और अभी रोटी लेना है, बस उसके बाद चलना है, तो चलते हैं। आज मैडम भी आने वाली है, एक महीने से मैडम नहीं थी, बड़ा सुकून था दिल को, अभी मैडम आ जाएगी आज, देखते हैं। बोली एयरपोर्ट आने के लिए, लेकिन बोली कि कफिल से बताना मत। मैंने बोला ये तो हो नहीं सकता, बिना बताए मैं आ नहीं पाऊँगा, तो बोली ठीक है रहने दो मैं टैक्सी से आ जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिलहाल चल रहे हैं, इसका जो है पैसा वगैरह पेमेंट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे एक ऐप है, इस ऐप में सब कुछ चेक कर सकते हो कि मतलब कौन से मॉल में सस्ता सामान लगा है। तो फिलहाल आलू जो है उठे में सस्ता लगा था, लेकिन मैं मुझे 2 किलो लेना था कफिल का, तो मैंने कहा चलो पंडा से ही ले लेते हैं। तो पंडा से, ये पंडा मॉल है, बहुत ज़बरदस्त मॉल है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है A to Z। तो फिलहाल चीनी मुझे लेना था, लेकिन चीनी यार पहले 25-26 रियल का 10 किलो मिल जाता था, अभी फ़िलहाल बहुत महंगा है, 34-35 रियल का 10 किलो है। तो फिलहाल चीनी नहीं ले रहे हैं, लेकिन लेना तो है, लेकिन क्या करें नहीं ले रहे हैं, 2 किलो लेकर के काम चलाएंगे। तो चीनी का रेट आपको दिखाएं, दिख रहे हैं 35 रियल का 15 केजी है, और 1 किलो लेंगे तो 8 रियल का है, तो 5 रियल किलो लोकल में ही बकाले पर ही मिल जाता है, तो क्या फ़ायदा यहाँ से लेने के लिए। सामान ऐसा भी होता है जो बकाला भी मिल जाता है सस्ते में, तो बकाला से लेंगे क्या दिक्कत है। तो भाई साहब सामान सब ला करके गाड़ी में रख दे रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी में ये सब भरा, बहुत बड़ी डिग्गी है गाड़ी की मेरे, फिलहाल ये सब गाड़ी में पड़ा है। इसमें इतनी बड़ी डिग्गी है कि क्या ही बताएं, 1000 लीटर से ऊपर की डिग्गी है, और इसमें ये स्टेपनी तो कभी खुलता ही नहीं, कभी काम ही नहीं लगता, यहाँ गाड़ी में पंचर वगैरह जल्दी नहीं होती, और पंचर भी होती है तो ट्यूबलेस टायर होता है ना, ट्यूबलेस टायर की वजह से जहाँ पंचर हुई थोड़े दूर पर जा करके कहीं भी पेट्रोल पम्प है वहाँ पर आप जाके हवा डला लिया, अगर कहीं अधिकतर तो गाड़ियों में जो है पंप होता है, इलेक्ट्रिक पंप गाड़ियों में, हर गाड़ियों में सब रखे रहते हैं, 40-50 रियल का मिलता है, सब अपने अपने गाड़ी में रखे रहते हैं, तो जब पंचर हो या कहीं हवा निकले तो हवा डाल करके महत्ता, यानी पेट्रोल पंप को यहाँ महत्ता बोलते हैं, तो महत्ता पे जा करके 10 रियल लेता है, तुरंत 2 मिनट में पंचर बना के दे देता है बाहर से, और अंदर से बनवाओगे तो 40 रियल लेता है बस। तो यही सब है, फिलहाल मॉल का काम ख़त्म हो गया और अभी रोटी लेना है कफिल के लिए, रोटी और समूली लेना है। तो भाई साहब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और ये प्रॉब्लम कुछ मेरे गलती की वजह से हुई, एक कुछ मैडम की गलती से की वजह से हुई, और ये बहुत सेंसिटिव मामला था, तो मैंने भाई रिस्क नहीं लिया, मैं जो हकीकत था वो मैंने बोल दिया। हुआ क्या कि मैडम आ रही थी अपने मायके से, और आज उसको आना था घर पे, 1 महीना पहले ही वो गई हुई थी, बड़ा सुकून था भाई साहब जब से वो गई थी। अब उसने कॉल किया कि मैं फला टाइम एयरपोर्ट पहुंचूंगी, तुम आ जाओ पिकअप करने। मैंने कहा ठीक है, मगर उसने शर्त ये रखी कि किसी से बताना मत,
तो भाई साहब इन लोगों के घर में जो मैटर चलता है ना वो अपने समझ के बाहर होता है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, बाबा से तो मुझे बताना ही होगा, यानी कफिल से तो बताना ही होगा, बिना बताए मैं कहीं जा ही नहीं सकता। तो वो बोले नहीं बताना मत। मैंने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो वो बोले कि चूंकि देखो इसमें एक प्रॉब्लम होती है, अगर मैं बिना बताए जाता हूँ कोई बात फंसती है, कोई मैटर फंसता है, तो ये लोग सब एक हो जाएंगे, सारी गलती हमारे ऊपर डाल देंगे। हालांकि इसका मकसद ये था कि बिना बताए हम घर पे आएंगे सरप्राइज देने के लिए, और ये चीज मुझे पता था नहीं, ये चीज मुझसे बताई भी नहीं थी। तो उसने कहा ठीक है, अच्छा जब ऐसा है तो तुम रहने दो आने के लिए, मैं टैक्सी से चली आऊंगी। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। और उसने ये बोल दिया था किसी से बताना मत। मैंने कहा ठीक है, मैंने किसी से बताया नहीं। उसके बाद जब ये आई तो हम लोग जहाँ रहते हैं टैक्सी वगैरह जो बाहर की गाड़ियां होती है वो बाहर ही रुक जाती हैं आकर के, वो अंदर नहीं आ सकती। तो जब बाहर पहुंची तो मैडम ने कॉल ना करके लड़की ने कॉल किया कि बाहर आओ। मैंने कहा कोई बात है क्या, तो बोला आओ बाहर बताती हूँ। मैंने सोचा लड़की आई होगी, मैं तुरंत कफिल को फोन किया कि लड़की ने फोन किया है कि बाहर बुला रही है। बोले कफिल बोला ठीक है जाओ देखो क्या बात है। उसके बाद मैं बाहर गया तो देखा मैडम, फिर मैडम को पिकअप करके लाया घर पे छोड़ दिया। जब घर पे छोड़ा तो तुरंत जैसे ही छोड़ के लिफ्ट में मैं घुसने ही वाला था तब तक कफिल का फोन आया कि हाँ क्या बात था, कोई मैटर था क्या। मैंने कहा कि नहीं वो मैडम आ रही थी, उसको लाके छोड़ा हूँ। और कफिल को पता नहीं था। अब जो है कफिल बोला कि मैडम आ रही थी, कैसे आ रही थी। मैंने कहा कि इसी से आई, उसको सारी बातें मैंने बता दी। उसके बाद जैसे ही उसका फोन कटा तुरंत मैडम का फोन, तुरंत जैसे ही कटा तुरंत मैडम का फोन आया और बोल रही कि बाबा से मत बताना। मैंने कहा अभी जस्ट बाबा का फोन आया तो मैंने बता दिया। अरे तुम बहुत गलत काम किए हो, बताओ मैं सरप्राइज देने वाली थी सबको, ये है वो। मैंने कहा भाई देखो तुमको अगर सरप्राइज देना था तो हमसे भी ना बताती। मैं झूठ तो बिल्कुल बोल नहीं सकते, इन लोगों के घर में किसी से भी कोई चीज छुपा नहीं सकते हो, ठीक है। बाद में कोई बात फंसती है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो भाई वो सब मैटर होता है, जरूरी नहीं, लेकिन मैं एक दो बार झेल चुका हूं तो इन लोगों के चक्कर में मैं सरीक नहीं हो सकता। मैंने कहा तुमको इतना प्रॉब्लम तो मुझसे भी हमसे भी ना बताई होती, या तुमको सरप्राइज देना था तो बिल्कुल भी हमारे पास फोन ना करती, क्योंकि हमारे पास फोन करोगे बाबा पूछेंगे तो कहीं ना कहीं से मैटर फंस ही जाएगा, वो पता चल ही जाएगा। उसके बाद भाई साहब वो नाराज हो गई। हमने कहा उसके लिए हमने सॉरी वॉरी बोला, चूंकि भाई थोड़ा सा गलती हमारी भी थी, और गलती हमारी क्या अगर देखा जाए तो हमारी तो बिल्कुल भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने सॉरी बोला, क्या करे थे। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है अब जितना जिससे बता चुके अब लड़की एक काम करती है, वो आधे घंटे बाद आने वाली थी और हम ही पिकअप करने वाले थे, तो बोला कि उससे बात बताना। मैंने कहा ठीक है उससे नहीं बताएंगे भाई, अब जब तुमने बोल दिया है तो नहीं बताएंगे। तो दोस्तों यही मैटर फंस गया। उसके बाद वो जैसे अपने यहाँ होता ना घुसमुसा करके बोलते हैं, तो इसे ही घुसमुसा करके फोन करके बोल रही थी, तो मतलब जैसे मुंह फुला करके जिसको बोलते हैं। तो हमने कहा भाई अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो यही छोटी सी बात थी और क्या ही करें। बाकी फिलहाल कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं। और अभी लड़की जो है जो काम करती है, आज जुमा है तो वो भेजी है डानकिन पे कॉफ़ी लेने के लिए, तो अभी डानकिन पे आए हुए हैं और लेते हैं कॉफ़ी, चलते हैं रूम पे। ब्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म, मिलते हैं किसी अन्य ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।